नमस्कार, मैं अंकिता सोमानी जैन आप सभी का स्वागत करती हूँ सिटी लाइफ डायलॉग्स में। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो डिस्कशन का मुद्दा है, वो है पोस्ट लॉकडाउन इवेंट्स और वेडिंग इंडस्ट्री पे क्या असर पड़ रहा है और इसमें हम क्या अपॉर्चुनिटीज और क्या पॉसिबिलिटीज ढूंढ रहे हैं। हमारे साथ आज बहुत ही तीन दिग्गज लोग बैठे हैं जिनके बारे में मैं आपसे जरूर डिस्कस करना चाहूंगी। सबसे पहले हमारे साथ जुड़े हुए हैं निजामी ब्रदर्स, जिन्होंने पद्म भूषण खिताब अपने नाम किया हुआ है, जिन्होंने रॉयल एल्बर्ट हाउस में अपना एक बहुत ही अमेजिंग परफॉर्मेंस दिया हुआ है, जो कि इस दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे सुंदर एल्बर्ट हाउस बोला जाता है। उसके बाद हमारे साथ जुड़े हुए हैं हरप्रीत सर, जो कि फोरम दैट इज द फेडरेशन ऑफ इवेंट मैनेजर्स राजस्थान की तरफ से वो जुड़े हुए हैं। इनकी दो बहुत ही बड़ी एग्जीक्यूटिव कंपनीज है, राइजिंग इवेंट्स एज वेल एज रास इवेंट्स, और इसके अलावा सर रेस्ट्रो चेन भी है, जिसमें कॉन्टिनेंटल और चाइनीज फूड की बहुत ही लाजवाब कुजीन है इनके पास, जो कि है जयपुर वोक। उसके अलावा हमारे साथ जुड़े हुए हैं विरांश गुप्ता, एंड ही इज द अमेजिंग टैलेंट, यंग टैलेंट हु हैड कम विद द फैमिली लेगेसी इन इवेंट्स इंडस्ट्री विद द एजुकेशनल पैनल, विच इज वेरी सीरियस एंड कमेंडेबल इन दिस यंग एज। यू आर कमिंग अप विद द एजुकेशन सब्जेक्ट विद द नेम ऑफ अकेडमी ऑफ वेडिंग प्लानिंग एंड इवेंट मैनेजमेंट दैट इज ओपन। सो आप सभी का यहाँ पे बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो नमस्कार। मैं चाहूंगी सबसे पहले निजाम सर आपके साथ शुरू करना चाहेंगे कि इंडस्ट्री में जो वक्त इस वक्त हम गुजार रहे हैं, ये सभी के लिए एक जैसा है? ये दौर हम सब लगभग एक जैसा ही गुजार रहे हैं, एक जैसे उतार चढ़ाव चल रहे हैं, और क्योंकि डर के आगे जीत है और हम सब उस जीत के लिए नए रास्ते ढूंढ रहे हैं, उनमें नए रंग डालना चाह रहे हैं। उन रंगों के बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या है जो हम गुजर रहे हैं जिससे, और क्या नए रंग है जिसके बारे में आज हम बात करना चाहेंगे। सभी श्रोताओं को, सभी सुनने वालों को बहुत बहुत नमस्कार, आदाब, सलाम। आज का जो विषय रखा है, सही बात है कि हम लोग निजामी ब्रदर्स कव्वाल, आगे चल के और बताएंगे इस वक्त जो स्थिति है, जो इस वक्त जो हालात माहौल चल रहा है, क्योंकि जो कोरोना कोविड टाइम जो चल रहा है, इससे सारी दुनिया तो परेशान है ही, लेकिन आर्टिस्ट बहुत ज्यादा परेशान है, जिसमें हमारे एक कव्वाल बिरादरी कव्वाल ही नहीं, बल्कि हमारे साइंस इंडिया वाले, भजन कीर्तन वाले और बॉलीवुड वाले भी इसमें शामिल हैं। जितने गाने बजाने वाले हैं, इनके साथ में जितने म्यूजिशियन है, ये इस वक्त इस दौर में तकरीबन साल, एक साल हो गया, सवा साल हो गया, इसमें बहुत परेशान है। बस हम लोग जो है दुआ कर रहे हैं अल्लाह ताला से, भगवान से, ईश्वर से, कि वो सबको अपनी पनाह में रखें और हमारे मुल्क हिंदुस्तान को इस कोविड से निकालें, ताकि हम भी अपनी जिंदगी को फिर उसी तरीके से जैसे चल रही थी, खुशहाल जिंदगी, वही जिंदगी चलती रहे और हम लोग जो है बस एक खुशी का माहौल बनाए। और ये भी जैसे भाई ने बताया, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, बुद्ध, जितने भी हमारे कौम है, ये सब बहुत जल्दी इससे बाहर आएंगी, निकलेंगी। ये कोविड, ये जल्दी कोरोना खत्म होगा, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि तो हिंदुस्तान जो है ये ऐसा मुल्क है जिस पर कितनी जबान बोलने वाले यहाँ लोग मौजूद हैं, और सबकी श्रद्धा है, सबकी दुआएं शामिल हैं, और ये दुआएं मेरा मालिक सबकी दुआएं कबूल करेगा। इसी के और साथ हमारा मुल्क तो वैसे ही आस्था का मुल्क है, ये ख्वाजा का मुल्क है, गुरु नानक का मुल्क है, राम जी का मुल्क है और ईसा मसीह का मुल्क है। हमारे मुल्क के अंदर जितना प्यार है, दुनिया के किसी भी मुल्क में इतना प्यार नहीं है। जो ये हमारा हिंदुस्तान जो है, वो तो प्यार का ही मुल्क है। क्या बात, और ये बताना चाहेंगे कि हम लोग हिंदुस्तान से कौन कौन से मुल्क गए, हॉलैंड, स्पेन, जर्मन,
साउथ अफ्रीका, ईस्ट अफ्रीका कहाँ कहाँ गए, लेकिन आप यकीन कीजिए दोस्तों, जितने सुनने वाले हैं, हमने ऐसा मुल्क नहीं देखा जैसा हमारा हिंदुस्तान है। ये कोई लगा लपेटी की बात नहीं, बल्कि हम खुद देखकर आए हैं। और जो हमारा हिंदुस्तान है, ये जिसको बोला जाता था, नहीं बोला जाता अब भी है, सोने की चिड़िया, ये वही है। और अपने हम प्रधानमंत्री जी से हमारी रिक्वेस्ट है, उनसे गुजारिश है कि और जो लोगों को आप लोग देख रहे हैं, जो भी आप खिदमत अंजाम दे रहे हैं, आर्टिस्टों की तरफ भी एक नज़र डालें और उनके बच्चों को भी देखें, क्योंकि इस वक्त जितने आर्टिस्ट हैं उनके जो साथी हैं वो लोग इस वक्त बहुत परेशान हालत में हैं। हमसे जो कोई मदद हो सकी, जिस काबिल भी हैं हम लोग, वो कर रहे हैं। 1.25 साल से हमने कोई प्रोग्राम नहीं किया, ऐसे बैठे हुए, लेकिन अपने जो साथी हैं उनकी जितनी हो सकती है हम लोग मदद करते हैं। ये भी बताना चाहेंगे याद रहा कि अभी हमारे लिए आर्टिस्टों के लिए गवर्नमेंट ने कुछ भी नहीं किया, हमारे केजरीवाल साहब हों या और कोई हो, किसी ने भी नहीं किया। और आगे आपको बताएंगे कि जो हालात चल रहे हैं, हाँ जल्दी इससे, इस कोरोना से जल्दी हम ये कोरोना खात्मा हो और जल्दी हम लोग उसी लेवल पे आ जाएं, बस यही। सर बहुत ही ये जो बातें अभी आपने कही है ये बहुत ही ज्यादा दुख भरी भी है, और कहीं ना कहीं ये एक एसेंस भी देती है कि बीइंग इंडियन या हम जिस तरीके के दर्द से गुजरते हैं उसमें हम शायद धर्म और मजहब भूल जाते हैं। जो एक चीज मैटर कर जाती है वो है ह्यूमैनिटी, इंसानियत सिर्फ अंत में रह जाती है, और उसको लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। चलिए मैं हरप्रीत सर से इसी सवाल को कंटिन्यूएशन में पूछना चाहूंगी। सर आपका एक्सपीरियंस एज वेल अपने बारे में या इस दौर के बारे में सर हमें कुछ बताइए कि हाउ डू यू टेक दिस अप। थैंक यू अंकिता, पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाह रहा हूँ कि आपने इस सेशन को इनिशिएट किया और खान साहब को यहाँ लाके, और ये इज्जत अफजाई है पूरी इंडस्ट्री की कि आज खान साहब हमारे साथ हैं। और इनके अचीवमेंट्स जब हम पढ़ते हैं, देखते हैं, तो शायद इनकी कही हुई बात जो भी इन्होंने अभी कही कि हिंदू जो हिंदुस्तान जो है वो एक ऐसा मुल्क है जो सारी दुनिया की समाई जिसमें है, और आपने पूरी दुनिया का भ्रमण किया है। मैं बहुत ज्यादा तो नहीं घूमा, 5-6 कंट्रीज में भी गया हूँ आपके पीछे पीछे ही शायद, लेकिन इंडिया में जो हिंदुस्तान में है वो शायद इस पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। अगर आप इसको दूसरे नजरिए से देखेंगे तो आज आधी दुनिया की निगाहें हमारी तरफ थी। अगर हमारे प्रधानमंत्री बांग्लादेश को, पाकिस्तान को या और छोटी कंट्रीज को अगर वैक्सीनेशन सप्लाई नहीं भेजते तो शायद वहां, हमारे यहाँ प्रॉब्लम है, बिल्कुल है, हमारे लोग सफर कर रहे हैं, लेकिन जैसा कि आप लोगों ने कहा कि हम लोग, हमारा हाथ हमेशा से यूं रहा है, मतलब हम, ईश्वर ने हमें कभी भी इस पोजीशन पर आने की वो नहीं दी, क्योंकि इतने सारे गुरुओं का, इतने सारे ईश्वर अल्लाह का, वाहेगुरु का, राम जी का हम सबके ऊपर हाथ है। तो शायद तकलीफ जरूर है, लेकिन बहुत निकलेंगे, बहुत जल्दी निकलेंगे इससे, और ईश्वर ने चाहा तो हम सब वापस से इन सब चीजों को वापस रिलीज करेंगे जो तकलीफें हमने भुगती हैं। बट अदरवाइज अगर इस पूरे के पूरे सिस्टम को अगर आप देखें तो शायद मुझे लगता है कि एक एक स्टॉप की या एक ऐसे उसकी रोक की जरूरत थी, जिस बह में, जिस फ्लो में हमारी इंडस्ट्री बह रही थी और जिस तरीके का हमारा पूरा सिस्टम होता जा रहा था, उसको एक मतलब बांध बांधने की बहुत जरूरत थी। कोविड ने तकलीफ तो जरूर दी है, लेकिन शायद वो बांध भी वो आने वाले समय में बांधने में थोड़ा सक्षम होगा, क्योंकि जिन हाथों में हमारी इंडस्ट्री जा रही थी शायद वो इस कोविड के जाने के बाद काफी फिल्टर होकर हमारे सामने आएगी। और हमेशा ऐसा होता है कि जब आप किसी बांध को बांध के रखते हैं तो उसमें बहुत सारा पानी इकट्ठा होता है। हम नेगेटिव साइड तो बहुत देख रहे हैं, लेकिन शायद हम उस पॉजिटिव साइड को नहीं देख रहे जो हमारे सामने आने वाले समय में दिखाएगी, जो इंडस्ट्री की ओवरऑल इंडस्ट्री, चाहे वो इवेंट इंडस्ट्री हो, चाहे वो मेडिकल इंडस्ट्री हो, चाहे वो सरकारें हैं। लास्ट ईयर ये ऑर्डिनेंस आ गया था, या लास्ट ईयर लोगों की राय थी, मेडिकल एक्सपर्ट्स की राय थी कि 2022 तक हमें बहुत जबरदस्त तरीके से इससे जूझना पड़ेगा। और अभी भी जो सिचुएशन आप देख रहे हैं, जिस हिसाब से वैक्सीनेशन आ रही है और जो भी सिचुएशन हो रही है, तकलीफें बहुत हैं,
लेकिन हम मान कर चलते हैं कि 2022 तक काफी सारी सिचुएशंस हमारे हाथ में होंगी और सरकारें अपनी तरफ से कसर नहीं छोड़ रही, लेकिन ये बीमारी ऐसी है जिसके अंदर कि आप एक दूसरे की चाह के भी मदद नहीं कर सकते। अगर हमारे घर में भी एक बच्चा है, बुजुर्ग है, अगर वो इस तकलीफ से जूझ रहा है तो उसको अकेले ही इसको मैनेज करना है। हम उसके परिवार का संबल बन के एक तरीके से उसके साथ खड़े हो सकते हैं, लेकिन उसको इससे फाइट तो खुद करनी है। आप इससे एक चीज और सीखिएगा कि अब तक हमारे हम दूसरों के कंधों पे बंदूक रख के चला रहे थे, अब बंदूक हमें हमारे कंधे पर रख के चलानी पड़ेगी। ये बहुत बड़ी सीख है हमारे लिए, इसको ब्लेसिंग इन डिसगाइज कहा जाता है। क्या बात है, तकलीफ है सर, लेकिन सब साथ में हैं। अगर हम सब साथ में रहेंगे, एकजुट होकर काम करेंगे, तो शायद हम बहुत जल्दी इस तकलीफ से बाहर निकलेंगे। ओवर टू यू अंकिता। हरप्रीत सर, आपने इस इंडस्ट्री को 14 साल दिए हैं और आपने बहुत खूब कही कि कहीं ना कहीं फिल्ट्रेशन आ गया है एंड वी आर मेकिंग ब्रिजेस नाउ। तो ये बहुत बड़ी बात है कि ऑन ह्यूमन साइड भी हम इस चीज को देख रहे हैं, इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख रहे हैं, इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख रहे हैं। एंड वो जो एक फ्रेमवर्क है जो हमारी इंडस्ट्री स्प्रेडेड है हर जगह पे, वो एक फ्रेमवर्क कहीं ना कहीं अब हमारी इंडस्ट्री को मिल रहा है। और आई थिंक 2022 तक हम एक बहुत ही मजबूत फ्रेमवर्क और एक ब्रिज के साथ लौटेंगे, जहां पे जब हम इंडस्ट्री को बैंग करेंगे तो बैंग बैंग होने वाला है। दैट इज सो नाइस थॉट ऑफ योर्स व्हिच आई हैव अडॉप्टेड नाउ। नाउ हमारे साथ में एंटरटेनमेंट इवेंट्स के बाद वी हैव समबडी फ्रॉम एजुकेशन, हमारी इंडस्ट्री को एजुकेट करने के लिए एक बहुत बड़ा पिलर साबित होने वाले हैं। हमारा फ्यूचर जनरेशन जो है वो बहुत ही ज्यादा हाईली स्कोप्ड दिखने वाला है हमें। तो विरांश, हमें प्लीज बताइए ओपेम के बारे में, अपने बारे में एंड एक्सपीरियंस रिलेटेड टू टुडेज थिंग। व्हाट इज द करंट सिचुएशन एक्सपीरियंस यू आर फेसिंग राइट नाउ? थैंक यू अंकिता। सबसे पहले सिटी लाइफ के सारे दर्शकों को मेरा प्रणाम। तो मेरा नाम विरांश गुप्ता है एंड मैं इस बात से स्टार्ट करना चाहूंगा कि कहते हैं ना वक्त है कट जाएगा, तो ये भी वक्त है, ये भी कट जाएगा। हमें सब एक दूसरे के साथ मिलके इसमें चलना है एंड इससे जो हमारी लाइफ आज के टाइम पे जो इतनी फास्ट हो गई है, आई थिंक इसका हम एक पॉजिटिव साइड इसका ये ले सकते हैं बिकॉज ऑफ ऑल दी लॉकडाउन, कि हम जो एक क्वालिटी फैमिली टाइम जो आज के टाइम पे जो बहुत ही मिसिंग था, वो क्योंकि अब हम सब लोग घर पे हैं तो हम अपने फैमिली के साथ हमारे उनके साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं एंड उनका सपोर्ट बन सकते हैं, नॉट ओनली फिजिकली बट ऑल्सो इमोशनली एंड मेंटली राइट नाउ, क्योंकि जो अभी जिस सिचुएशन में है हमें इमोशनल और मेंटल स्ट्रेंथ की बहुत आवश्यकता है टू फाइट दिस थिंग एंड या होपफुली हम so now coming to the education side of this, so just to give brief of my background, so after completing my education I worked in a lot of corporates for 3 to 4 years, specifically in the field of auditing and consultancy. और उसके दौरान अब हम सोचते हैं कि events ना सिर्फ weddings या seminar या आपके कॉन्सर्ट्स हो गए, बट ऐसा नहीं होता। इवेंट्स बहुत टाइप के होते हैं विच ऑल्सो इंक्लूड्स कॉर्पोरेट में जो कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, सेमिनार्स होती हैं, मीटिंग्स होती हैं। तो वहाँ जब मैं वहाँ ड्यूरिंग माई प्रोफेशनल लाइफ आई हैव सीन अ लॉट ऑफ कॉर्पोरेट इवेंट्स एंड बिग इवेंट्स, तो वहाँ से मेरा एक इवेंट्स की तरफ रुझान स्टार्ट हुआ था एंड ऑल्सो माई डैड ही हैज बीन इन दिस इंडस्ट्री फॉर द लास्ट 20 ईयर्स, बी इट बोथ एजुकेशन एंड इवेंट्स। तो मेरा ऑलरेडी इसके तरफ एक इंक्लिनेशन था ही एंड जब मैं वापस घर आया सो आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग दिस फील्ड मोर। मैंने जो डैड जो इवेंट्स करते थे तो उनके साथ मैंने आई स्टार्टेड इन्वॉल्विंग और मैंने कुछ बातें नोटिस करी कि हमारे इस इंडस्ट्री में एक प्रोफेशनलिज्म की काफ़ी कमी है एंड इट्स नॉट अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एंड तो उस चीज को एक्सपीरियंस करते हुए आई थॉट कि वी शुड, और इसमें एक प्रोफेशनल स्टैंडर्ड की भी कमी है जो और हमारे प्रोफेशनल डिग्रीज के कोर्सेज हैं। तो एक इवेंट इंडस्ट्री, हम जैसे लगता है कि हमने अपने घर में 3-4 वेडिंग प्लान करी और हम एक वेडिंग प्लानर बन गए, हम एक इवेंट
प्लानर बन गए, ऐसा नहीं होता है. यू नीड टू हैव अ 360 डिग्री नॉलेज अबाउट एवरीथिंग. दो तीन इवेंट्स अपने घर के करने से यू कांट रियली कॉल योर सेल्फ इवेंट प्लानर, राइट? तो उसको करते हुए और मेरे जो एक्सपीरियंसेस हैं, हमारी टीम में जो लोग हैं वो भी इस फील्ड में काफी टाइम से हैं, तो उनके भी एक्सपीरियंसेस को यू नो इंक्लूड करते हुए, सो वी केम अप विद दिस, वी फॉर्मुलेटेड दिस करिकुलम दैट इंक्लूड्स एवरी एस्पेक्ट फ्रॉम ऑल द टाइप्स ऑफ इवेंट्स, एंड इट ऑल्सो इंक्लूड्स ऑल द टॉपिक्स दैट वी फील इज नेसेसरी फॉर एन इंडिविजुअल जो एक ऑलराउंड परफॉर्मेंस दे सके, एक पूरे इवेंट को ढंग से प्लान कर सके. Right, so this is what OPEM is basically about, Academy of Wedding Planning and Event Management, which a young student ko ek all round development aur ek and jaise you know as you know that change is the only constant. So ye bhi jaise hi this year or maybe next year hopefully jaise hi ye situation khatam hogi is industry mein ekdam se boom aayega jo 2-3 saal se कुछ इवेंट्स नहीं हुए हैं और एकदम से जैसे अभी भी नवंबर दिसंबर के टाइम मुझे तो लगता है लोग दोबारा शादियां ना करने लग जाए. लोगों के अंदर भी इतना कुछ भर चुका होगा कि लोग बोलेंगे हमें दोबारा शादी करनी है बिकॉज़ वी कांट वेट टू सेलिब्रेट आवर लाइफ एनीमोर. इट इज लाइक समथिंग लाइक दैट गोना हैपन नाउ. तो दोबारा से मेरा मतलब था कि उसी आदमी से. उस चीज को देखते हुए कि हमारे इसमें बिल्कुल स्कोप की कमी नहीं है, बिल्कुल भी स्कोप की कमी नहीं है. हैविंग सेड दैट ऑब्वियसली इस पे ड्यू टू द करंट सिचुएशन एक इम्पैक्ट पड़ा है, बट इसका फ्यूचर इज रियली रियली स्ट्रांग एंड आने वाले 1-2 साल में ये वापस जो थोड़ा सा ही इंडस्ट्री स्पेसिफिकली इवेंट्स की इंडस्ट्री जो हल्का सा डाउन गई है ये एकदम से स्पाइक लेगी एंड वी हैव अ गुड टाइम. अभी 1-2 साल है तो इसमें इसमें जिसने अपने आप को प्रिपेयर कर लिया ढंग से एंड वो इसमें बहुत अच्छे एक्सेल करेगा एंड दिस इज वेयर ओपन स्टेप्स टू गिव यू दैट परफेक्ट फाउंडेशन. यस एब्सोल्युटली विरांश, आपके जो पूरा एक जो चीज आपने बताई है उससे जो फ्रेमवर्क क्रिएट होता है या जो बातें हम समझ पा रहे हैं कि इस इंडस्ट्री के मतलब वो होता है ना मतलब समटाइम्स यू कंप्रेस थिंग्स सो मच दैट इट एक्सपैंड्स ऑन द अनदर लेवल. कभी कभी होता है ना जैसे इलास्टिक को जितना ज्यादा खींचते हैं उतनी ज्यादा स्पीड से आगे जाता है और अ बो एंड एरो उतना ही ज्यादा बारीकी से यू कैन यू नो टारगेट योर थिंग. सो यही चीज है इंडस्ट्री के बारे में. फिल्ट्रेशन जितना हम समझ पा रहे हैं, चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं, फिल्ट्रेशन हमें दिखाई दे रहा है और बाय यंग एबिलिटीज एंड टैलेंट अब हमारे सामने एक ऐसा इंस्टीट्यूट, एक ऐसी जगह है जहां पे हम 360 डिग्री क्वालिफाइड फाउंडेशन के साथ हम आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं. इंट्रोड्यूसिंग अ सिस्टमैटिक काइंड ऑफ सेटअप टू क्रिएट समथिंग रियली प्रोफेशनल इन द जोन, क्योंकि शायद हमारी इंडस्ट्री ही ऐसी है जो कि हमें थोड़ा सा टैलेंट दिखाई देता है या हम चार शादियां कर लेते हैं या 2-4 इवेंट कर लेते हैं और हमें लगता है कि नाउ वी आर द प्लानर्स एंड वी जस्ट जंप इनटू द मार्केट एंड वी स्टार्ट वर्किंग इन इट, हम काम करने लग जाते हैं. बट लास्ट में हमें 90% फेलियर्स दिखाई देते हैं जिसके वजह से इंडस्ट्री के बाकी लोग सफर करते हैं. तो इसी को ही हम अपग्रेड करने वाले हैं या इसी को ही हम आगे देखने वाले हैं कि ओके दिस इज द फ्यूचर ऑफ इंडस्ट्री एंड विच गोना कम आउट एज इन बूम. अगले ही साल हम देखेंगे कि लोग ऐसे फटाफट शादियां कर रहे हैं, कॉन्सर्ट कर रहे हैं, कॉर्पोरेट आर डाइंग टू डू द इवेंट्स, लॉट ऑफ फंड्स हैज बहुत सारा फंड्स इकट्ठा हो चुका होगा तो बहुत सारी पार्टियां हो रही होगी हमारे बीच में. चलिए इसी बात को मैं एक बहुत पॉजिटिव नोट पे ले जाते हुए फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए मैं फिर से निजाम सर के पास आ रही हूँ और पूछना चाहूंगी सर हम इसमें फ्यूचर कैसा देख रहे हैं, हम पॉसिबिलिटीज क्या देख रहे हैं, हम अपॉर्चुनिटी क्या देख रहे हैं. जो आज का हमारा मुद्दा है मेन डिस्कशन का वो है फ्यूचर, पॉसिबिलिटी, अपॉर्चुनिटी. हमारे लिए किन रस्तों को खुलने की बात कर रहे हैं, हम दरवाजे कौन से खुलेंगे हमारे लिए.
हमें उम्मीद है और उस परमात्मा से, अल्लाह से उम्मीद है, और उसके साथ साथ हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी साहब जो ये आगे अच्छा ही कदम उठाएंगे और जिसे बताया कि सबका साथ सबका विकास। आइए इंशाल्लाह ये आज जो साल शुरू हुआ है ये जो चल रहा है इसमें आगे चल के बहुत अच्छा होगा और बहुत तरक्की होगी। हाँ थोड़ा सा हमारे मोदी जी थोड़ा सा ख्याल रख लेंगे, देख लेंगे, तो ऐसा नहीं है, अच्छे दिन भी बहुत जल्दी ही आएंगे। दूसरे हम लोगों को हौसला रखना है, जितने भी हम हिंदुस्तानी हैं सब लोगों को हौसला रखना है। अगर जो हमारा हौसला बुलंद है और हमारी एकता कायम है तो हम इंशाल्लाह जरूर जीतेंगे। कि आंख आंख तूफानी हवाओं से मिला सकता हूँ, आंख तूफानी हवाओं से मिला सकता हूँ, मैं वफादार हूँ, सर अपना कटा सकता हूँ, और अपने भारत की इज्जत को बचाने के लिए अपने बच्चों को भी मैदान में ला सकता हूँ। क्या बात है, क्या बात है। और एक बात और आगे मैं वजाहत कर दूं, बता दूं कि जैसे अभी आपके चैनल से बताया कि हम लोग हमारे नाना जी हिंदुस्तान के पहले पद्म भूषण, जैसे भी बताया हमें अभी हमें चांस है मिलने वाला है, लेकिन पद्म भूषण हिंदुस्तान के पहले हाजी अल्ताफ हुसैन खान, हम उनके नवासे हैं जिनको पहला अवार्ड मिला। और क्या बात है, और हिंदुस्तान के हम लोग पहले कब्बाल हैं जो रॉयल अल्बर्ट हॉल में अभी तक हिंदुस्तान से कोई कब्बाल नहीं गया, वहां जाके हमने हिंदुस्तान का नाम रोशन किया। नमस्ते इंडिया फेस्टिवल रशिया में और जितने जितने मुल्कों में गए हमने जाके हिंदुस्तान का नाम रोशन किया। जैसे भी आपने बताया कि अच्छे दिन जैसे बताया आएंगे और इंशाल्लाह बहुत जल्दी आएंगे। सबसे हमारे हिंदुस्तान के जितने रहने वाले हैं, जितने मेरे भाई हैं, ये सब मिलजुल कर रहेंगे तो ये बहुत जल्दी दिन आएंगे। इसलिए कि तुम मुसाफिर हो ऐसा मुमकिन है, तुम मुसाफिर हो ऐसा मुमकिन है, राह में वक्त शाम आ जाए और सबसे मिलकर रहो खुदा के लिए, कौन किसका काम आए। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत ही खूब सर, बहुत ही खूब, बहुत ही खूब। और ये मिलकर रहेंगे, प्यार से रहेंगे तो हिंदुस्तान एक दिन वो आएगा कि पूरी दुनिया में अब भी है और उस वक्त भी पूरी दुनिया में हिंदुस्तान हिंदुस्तान का ही नाम होगा। क्या बात है। तो मैं सर बहुत ही उमदा चीजें आपने अभी हमें बताई, सिर्फ यूनिटी ह्यूमैनिटी ही है जो हमें इस दौर से निकलने के लिए एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा करने के लिए हेल्प करेगी, और वहीं हमें अपॉर्चुनिटीज और पॉसिबिलिटीज भी दिखाई देगी कि हमें आगे कैसे बढ़ना और क्या करना है। हरप्रीत सर मैं आपसे पूछना चाहूंगी, व्हाट ऑल आर दी अपॉर्चुनिटीज डोर्स वी आर ओपनिंग टू द पॉसिबिलिटीज, कि कहाँ जाना है हमें, कैसे जाना है हमें, एंड कहाँ से हम वो रास्ते निकालने वाले हैं कि ओके दिस इज द प्लेस वेयर वी कैन रियली ग्रो इन द इंडस्ट्री। अंकिता अभी तो सब चीजें एक ब्लैक होल की तरह हैं, अगर हम ऑनेस्टली अगर बात करें तो अभी चीजें सब ब्लैक होल की तरह हैं, और जब आप एक ब्लैक होल में होते हो तो आपके आपके पास चारों तरफ अंधकार होता है, इट इज ऑल ब्लैक अराउंड यू व्हेन यू आर इन अ ब्लैक होल। बट फॉर्चुनेटली व्हेन यू कीप ऑन ट्रैवलिंग, जब आप उस ब्लैक होल में चलते रहते हैं क्योंकि आप अंदर तो फंस गए, यू कैन नॉट गो बैक, सो यू हैव टू मूव फॉरवर्ड। कहां जाओगे कुछ नहीं पता, लेकिन जब भी वो ब्लैक होल खत्म होगा तो डेफिनेटली दिल बी अ न्यू रे ऑफ होप। आप हमेशा हम लोग पढ़ते हैं कि रात पूरी नहीं होती, रात के बाद सुबह सूरज वापस निकलता है। तो जी, जी। अपने आप को सिर्फ हमें इस चीज के लिए प्रिपेयर करना है कि यस हमें अपने आप को फिजिकली मेंटली दोनों तरीके से स्ट्रांग रखना है। अगर ये दोनों काम हम कर पाएंगे तो शायद आई डोंट थिंक सो कि बहुत ज्यादा बड़े बैरियर्स हैं। ठीक है, प्रॉब्लम डेफिनेटली है, पॉजिटिव रहने की जरूरत है। और जहां तक सवाल है आगे आने वाले वेंचर्स का, तो सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप आज जैसे विरांश इज वर्किंग ऑन समथिंग विच इज कॉल्ड ओपीएम और ये एक इवेंट मैनेजमेंट का इंस्टीट्यूट लॉन्च करने की सोच रहे हैं, तो ये थॉट प्रोसेस बहुत अभी नहीं आया होगा, ये थॉट प्रोसेस बहुत समय से इस पर वर्किंग चल रही होगी विरांश की और दीपक जी की, एंड उसको शेप देने में इन्हें समय लगा होगा। और आज फॉर्चुनेटली इस क्राइसिस के टाइम पे भी ये एक इनिशिएटिव इनिशिएट कर रहे हैं,
तो डेफिनेटली बहुत सारी चीजें ऐसी हैं इंडस्ट्री के अंदर जिनको अगर आप एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं तो दिस इज द राइट टाइम, बिकॉज अभी आप कंसंट्रेट कर सकते हैं, फोकस कर सकते हैं, चीजों को डिजाइन कर सकते हैं और उनको सामने लाने का एक वक्त निर्धारित कर सकते हैं। अदरवाइज हमारे पास जब हम काम कर रहे होते हैं तो हमारे पास समय ही नहीं होता कि हम अपनी डिजायर्स को, अपनी हॉबीज को, अपनी फिजिकल फिटनेस को फोकस कर सकें। और जहां तक हमारी इवेंट इंडस्ट्री का सवाल है, मुझे 15 साल में एक दिन ऐसा याद नहीं होगा जब मैं रात को सही समय पर घर आके सोया हूँ। आई एम फॉर्चुनेट टू से दैट, बट स्टिल ये पिछले 1-1.5 साल के पीरियड में हमें रियलाइज हुआ है कि नहीं यार, वी हैव बीन रनिंग लाइक, आई डोंट वांट टू यूज एनी वर्ड्स, बट वी आर रनिंग लाइक समथिंग विच इज, जिसका कोई अभी तक और छोर नहीं है। बट क्रिएटिविटी नीड्स टाइम, तो हमें क्रिएटिव होने की जरूरत है। अपनी जो छुपी हुई हॉबीज हैं उनको हमें एक्सट्रैक्ट करना है। यू नेवर नो, आई वॉज अ वेरी गुड स्पोर्ट्स पर्सन एट स्कूल, माई स्कूल टाइम, कॉलेज टाइम, बट बिजनेस में आने के बाद अपॉर्चुनिटीज मिली नहीं। फॉर्चुनेटली इस पूरे 6-8 महीने साल भर के पीरियड के अंदर, और अभी भी इनफैक्ट हम लोग एक बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, क्योंकि हमें नजर आ रहा है कि आने वाले समय में बच्चों के लिए, आप इंडस्ट्री को छोड़ दीजिए, बट वेन यू टॉक अबाउट किड्स, 5 साल से जो 15-18 साल तक के जो बच्चे हैं वो इतने ज्यादा इस समय इंग्रॉस्ड हैं, बिकॉज ना तो उनके पास स्कूल्स हैं, ना उनके पास फिजिकल ट्रेनिंग्स हैं, ना उनके पास प्लेग्राउंड्स हैं, उनके पास अब एक ही चीज बची है विच इज वर्चुअल एंड विच इज किलिंग देयर एंटायर क्रिएटिव। जो बच्चे क्रिएटिव फील्ड में जाना चाहते हैं, डेफिनेटली उनके लिए ऑटोमेशंस और वर्चुअल, ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और ये अपने आप में बहुत बड़ा वर्टिकल है। बट हम सब जानते हैं कि जब तक हम फिजिकली एक्टिव नहीं होंगे हमारा दिमाग भी ढंग से काम नहीं। सो हम जो अभी फोकस कर रहे हैं, हम वो ही फोकस कर रहे हैं कि बच्चों के लिए कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज इन टर्म्स ऑफ ऑन ग्राउंड स्पोर्ट्स से लाई जाए कि जब वो 2 महीने 4 महीने 5 महीने में जब वो बाहर स्टेप आउट करें तो उनकी एनर्जी को एक राइट डायरेक्शन देने के लिए एक प्लेटफॉर्म। तो जैसे आप लोग यू गाइज आर वर्किंग ऑन अ इवेंट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म, हम लोग बेसिकली एक स्पोर्ट्स मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, जिसमें हम लोग सिर्फ कुछ एक स्पेसिफिक स्पोर्ट्स पे काम नहीं कर रहे हैं। वी आर वर्किंग ऑन अ एंटायर एंटिटी ऑफ स्पोर्ट्स विच इज क्रिकेट, फुटबॉल, खो खो, हॉकी, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, टेनिस, स्प्रिंट्स, एथलेटिक्स, हम इस पूरे बड़े पोर्टफोलियो पे काम कर रहे हैं। तो ज्यादा इसको ना बोलते हुए मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि जो आपने सवाल पूछा कि पॉसिबिलिटीज क्या है, तो पॉसिबिलिटीज की कमी नहीं होती, हमें पॉसिबिलिटीज तलाशनी पड़ती है। सो दिस इज वेयर आई वॉन्ट टू से दैट अपने अंदर की क्रिएटिविटी जो शायद आप बिजनेस के और अपने वर्किंग मॉड्यूल के कारण से खो चुके थे, उसको वापस रिवाइव कीजिए, थोड़ा सा समय दीजिए अपने आप को, और कहीं ना कहीं से डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ 100% निकाल के ला पाएंगे। एंड फ्यूचर इज ऑलवेज आवर्स। वंडरफुल सर, मतलब आपने जो अभी बताया है, जो बातें बोली हैं, दैट हैड बीन अ आई ओपनर। आई ओपनर इस तरीके से कि बच्चे छोड़ दीजिए सर, हम सब खुद घर पे बैठ के वर्चुअल ऑफिस में काम कर रहे हैं। वी यूज टू मीट आर कोलीग्स एवरी डे, टूडे वी आर नॉट मीटिंग एनी वन ऑफ देम, वी डोंट हैव एनीथिंग, वी आर सिटिंग ऑन अ बेड और ऑन अ चेयर, हम एक कुर्सी या एक बिस्तर का एक कोना पकड़ लेते हैं जिसपे हम ऑफिशियल काम कर रहे हैं। समवेयर हमारी फिजिकल अप्रोच टूवर्ड्स लाइफ खत्म हो चुकी है। हम बहुत वीक, बहुत कहीं ना कहीं स्टेमिना रिलीज, लेजी, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमने कभी हमारे फिजिकल लाइफस्टाइल में देखी नहीं है, लेकिन हम देख रहे हैं। दूसरी तरफ हमारी इवेंट मैनेजमेंट जो एक इंडस्ट्री है, वो आपने कहा कि 14 साल में एक रात ऐसी नहीं होगी जिसमें आप घर वापस आए होंगे समय पे। सर आपने बहुत खूब कही ये बात कि हम एक्चुअली जो हमारी इंडस्ट्री है वो कहीं ना कहीं फिजिकली इन्वॉल्व इंडस्ट्री है, मेंटल से ज्यादा। हम सिर्फ भाग रहे हैं और भागते भागते ही हमने अपना लाइफ का एक डेकेड गुजार दिया। एंड टुडे व्हेन वी आर होम वी रियलाइज दैट ओ अच्छा, मेरे घर में ये कोना भी है जिसको मैंने आज तक कभी देखा ही नहीं। एंड दिस इज हाउ वी आर ग्रोइंग। तो बहुत अमेजिंग अपॉर्चुनिटी और दो ओपनर है सर अभी आपके हाथ में कि आप स्पोर्ट्स के साथ मार्केट में वापस आ रहे हैं। एंड आई विश यू लक, ऑल द बेस्ट सर, एंड आई एम गोना बी अ पार्ट ऑफ इट। आई एम रियली फीलिंग एक्साइटेड अबाउट योर स्पोर्ट्स वेंचर।
ऑन दी अदर साइड अब मैं जिनके पास जा रही हूँ, क्योंकि हमने फिजिकल हेल्थ के बारे में बात करी है, अब हम बात कर रहे हैं मेंटल हेल्थ. कहीं ना कहीं इंडस्ट्री जहां रुक गई है, इस वक्त ठहराव सा आ गया है. तो जब हम कहीं रुकते हैं ना, तो हम दो चीजें करते हैं, या तो हम सो जाते हैं, या हम एक ऐसी नई लर्निंग की तरफ बढ़ना चाहते हैं जहां से हम जब भी शुरू करें हमारे अंदर में एक अलग लेवल का सिस्टम, फाउंडेशन, प्रोडक्शन, कंस्ट्रक्टिव आइडिया लॉन्च हो चुका होता है. हम दो तरीके से काम करते हैं. तो एक सब्जेक्ट तो जो हमको फिजिकल हेल्थ के लिए हरप्रीत सर ने बता दिया है, दूसरा सब्जेक्ट पे हम आ रहे हैं जो विरांच का सब्जेक्ट है, जो कि एजुकेशनल फाउंडेशन क्रिएट कर रहे हैं हमारी इंडस्ट्री के लिए. विरांच, ओवर टू यू. व्हाट आर द डोर ओपनिंग्स एंड वन चैलेंज व्हिच यू आर फेसिंग और अपॉर्चुनिटी आई कैन से इट इज ऑनलाइन कोर्सेज एंड ऑफलाइन कोर्सेज. थोड़ा सा इसके बारे में बताइए, क्योंकि ये अभी बहुत ज्यादा चलन में है, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन वाला. सो सिंस वी स्टार्टेड दिस, वी हैव बीन गेटिंग अ लॉट ऑफ पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज टू इट. सो टू आंसर योर क्वेश्चन की जो फ्यूचर क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या है, तो हमारे जो यंग जनरेशन है, एंड एज सर सेड दैट वी नीड टू ऑल्सो फाइंड आर हॉबीज एंड अदर इंटरेस्ट दैट वी आर इनटू. कि हमने इस 2-3 साल में ये सीखा है कि आप सिर्फ एक ही चीज में स्पेशलाइजेशन नहीं कर सकते, यू हैव टू कीप इवॉल्विंग. कि जैसे अभी इस कोरोना टाइम में भी लोगों ने वर्सेटिलिटी की तरफ बिजनेस मॉड्यूल को चेंज किया, सब लोगों ने उसको ऑनलाइन किया. कुछ लोग नहीं कर पाए, कुछ लोग कर पाए. जो लोग कर पाए वो उन्होंने इस 1-1.5 साल को थोड़ा ढंग से निकाल लिया, थोड़ा इजी से निकाल लिया. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि इसमें बहुत ही ज्यादा जो हमारा इंडिया का जो स्किल सेक्टर है वो बिल्कुल ढंग से टैप इन मेरे हिसाब से अभी नहीं हुआ है. विच आई फील दैट वी शुड टैप इन द स्किल सेक्टर, सब डिग्रीज और उस सब का, विच इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. बट एट द सेम टाइम जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी भी जो कहते हैं कि जो स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, तो जो हमारा जो ये कोर्स है, जो करिकुलम है, दैट इज सर्टिफाइड बाय NSDC स्किल इंडिया. सो दिस गिव्स यू दैट यू नो रिकग्निशन इन द मार्केट. कि जो आपको जो सर्टिफाइड कोर्स है आपने वहां से किया है, जो NSDC स्किल इंडिया से सर्टिफाइड है. सो या सो नाउ कमिंग टू योर क्वेश्चन की ऑफलाइन और ऑनलाइन. तो हमारा जो ऑफलाइन बैच है, आई फील कि जो स्किल वाले जो कोर्सेज हैं उसकी एक ऑनलाइन में लिमिटेशन है. सो दैट्स अ चैलेंज कि उसमें यू नीड अ फिजिकल कांस्टेंट वन ऑन वन सुपरविजन. आज मैं जैसे बात करूँ स्किल की, तो से स्टिचिंग, अब आप स्टिचिंग ऑनलाइन कैसे सिखाएंगे, आप स्केचिंग ऑनलाइन कैसे सिखाएंगे, जब तक आप बच्चे को बताएंगे नहीं कि कपड़ा कैसे काटना है फिजिकली. तो कुछ ऐसे अब सब लोगों ने बोल दिया गवर्नमेंट ने कि एजुकेशन को आप ऑनलाइन कर दो, बट दे डिडंट realize कि there are a lot of sectors. जैसे हमारे निजामी ब्रदर्स ने भी कहा कि गवर्नमेंट ने आर्टिस्ट के लिए कुछ नहीं किया, राइट? तो उनके लिए कोई ऐसे पॉलिसीज निकाली. एट द सेम टाइम आपने सारे एजुकेशन को एक ही अम्ब्रेला में डाल दिया, एक ही टर्म में डाल दिया. आपने उसको फिल्टर आउट नहीं किया कि ऐसे कुछ सेक्टर्स हैं जो आप कम्प्लीटली 100% ऑनलाइन नहीं करा सकते. सो हैविंग सेड दैट कि जो ऑफलाइन कोर्स है, that we are planning, that is scheduled in the month of July, and given the current situation and a lot of jo hamare paas responses bhi aa rahe hain wo online ke liye bhi hain, so we are working on it and we'll be coming with an online course soon as well for this. All right, that's amazing. And that's an idea that yes, kahin na kahin Nizami brothers ne jo humse kaha hai, Sabi sir, Bazi sir ne, कि कहीं ना कहीं हमारे लिए गवर्नमेंट का सपोर्ट लेना हमें बहुत जरूरी है. गवर्नमेंट का हमारी इंडस्ट्री की तरफ एक इंक्लिनेशन होना भी जरूरी है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो हम एक अम्ब्रेला में डाल देते हैं, लेकिन हम एक अम्ब्रेला वाले लोग नहीं है. वी आर वर्सटाइल. हमारा जो सेक्टर है वो बहुत वास्ट है, स्प्रेडेड है, और बहुत ही डिफरेंट प्लेटफॉर्म से जुड़ा हुआ है. इट्स नॉट वन, इट इज मल्टीपल, और अलग अलग चीजों को मिल करके एक बॉडी बनाई गई है. इट्स नॉट वन ऑर्गन, इट इज अ कंप्लीट बॉडी हैविंग मल्टीपल ऑर्गन्स. तो इसको हम यहीं पे सब कंक्लूड करते हुए मैं आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी कि
इस इंडस्ट्री से रिलेटेड जितनी भी बातें आपने हमें बताई है, मैं निजाम सर का कहूँ, आपका यूनिटी ह्यूमैनिटी जो प्लेटफॉर्म है, जो चैलेंजेस आप लोग फेस कर रहे हैं, वो हम में से शायद कोई उसको समझना बहुत दूर की बात है, हम उस चीज को बांट नहीं पाएंगे, लेकिन वी हैव कंप्लीट कॉन्फिडेंस कि यस दैट इज द पेन और हम उसके लिए कंसर्न्ड है आपके लिए. सेम हरप्रीत सर, जिस तरीके की आपने आई ओपनर एंड डोर ओपनर वाली बात कही है, दैट हेल्थ वाइज फिजिकली हेल्थ जो हम चैलेंजेस जिसमें अब आने वाले समय में शायद इंडस्ट्री वापस आ जाए, लेकिन जो हेल्थ फेस करने वाले हैं नेशन वाइड, उसे हम एक इवेंचुअल अपॉर्चुनिटी में टर्न आउट कर सकते हैं और वो हमारे सर अब करने वाले हैं. दूसरी ही जगह पे विरांच का जो एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि इंडस्ट्री अगर रुक रही है तो उसे सीखने की जरूरत है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द लर्निंग एंड द फाउंडेशन टूवर्ड सिस्टम प्रोडक्टिविटी कंस्ट्रक्शन everything related to your brain and your mental health. So now we are here on one platform and including the whole thing, par uske sath main chahungi ki Nizam sir, agar aap kuch ek choti si qawwali ke sath agar hum ise end karte hain. Wow. Hamari industry ki ek entertainment wali jo cheez hai wo hum yahan pe thoda sa ek touch de ke nikle to kya kehna hai aapka? अंकिता जी, गवर्नमेंट जो भी करेगी हमारे साथ जितने भी आर्टिस्ट हैं, तो गवर्नमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे हम लोग. और हम लोगों को ख्वाजा गरीब नवाज, हजरत निजामुद्दीन औलिया, उन दरबारों पे भरोसा है, क्योंकि हम खानकाओं से जुड़े हुए हैं एक जमाने से, हमारी पुश्ते जो है वहीं से ही पली है, और हमको किसी चीज की फिक्र नहीं है. और इंशाल्लाह हमारा जो है अपना दिली अकीदा है ये कि जब हम उस दरबार से जुड़े हुए हैं तो हम भूखे नहीं रह सकते, और अपने मुल्क पे भरोसा है हमको. और एक और आपसे, आपके चैनल के माध्यम से एक बात पेश कर रहा हूँ कि हमारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसी जैन बुद्ध जितने भी हैं, हमसे अगर गवर्नमेंट हमसे कुछ मदद चाहती है कि और तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन आपके लिए एक प्रोग्राम इस अंदाज का फंडरेशन, इसके लिए अगर हमसे चाहती गवर्नमेंट तो हम प्रोग्राम करेंगे, और उन गरीब गुरबाओं की आर्टिस्टों की जो परेशान है उनके लिए हम मदद करने के लिए तैयार है. क्या बात है सर, हम ही चाहते. लीजिए बहुत शॉर्ट जी, एक बार बता दो कि हमारा शास्त्रीय संगीत और अव्वाली क्लासिकल ये पूरी दुनिया में माना जाता है. एक झलक सर, हम अपनी जगह रखते हैं यहाँ पे. जी सब बताना जरूर चाहेंगे कि हम लोग निजामी ब्रदर्स ये परफॉर्म तो करते ही है धार्मिक, उसके साथ साथ शादियों में इवेंट
जितने भी होते हैं उसमें भी हम लोग परफॉर्म करते हैं। और ये कहूंगा कि जो आपने कहा कि दोबारा से खुशियां आए और हम दोबारा से शादी करें और वो अपने उसी हस्बैंड से जिससे शादी हो चुकी है ताकि हम लोगों का आर्टिस्टों का भी काम चले और आर्टिस्टों को भी ये मौका मिले ताकि ये बुरे दिन जल्दी से निकल जाए। आप तो सही कि मेरी हंसी तो मेरे गमों का लिबास है, मेरी हंसी तो मेरे गमों का लिबास है, लेकिन जमाना इतना कहां गम शनास है। पहले था मैं उदास तो जमाना था मुतमईन, अब मैं हूं मुतमईन तो जमाना उदास है। क्या बात है, क्या बात है सर। आपने जो कवाली गाई है ये जख्म पे नमक कहा जाता है, ये जख्म पे मलम का काम कर गई। और आत्मा होती है ना कि हम सवा साल दो साल से किसी ने काम नहीं किया है, तो ये जो आपने आज सुनाया है ये ना वो आत्मा को एक टच करने वाला, मतलब इट्स अ सोल पीसफुल, मतलब आत्मा अंदर तक रूह तक छू गया। इट वॉज दैट ब्यूटिफुल, कुड फील कि आपका नहीं हो पाना किसी इवेंट में उसकी आत्मा का छिन जाने जैसा है। तो आई रियली विश कि हम जल्दी काम चालू करें ताकि हमें आप जैसे सिंगर्स को सुनने का मौका मिले, अपनी आत्माओं को उठा के और ज्यादा झूमने का मौका मिले एंड इस इंडस्ट्री को फिर से एक बैंग और एक मूव मिले ताकि हम फिर अपना नाम, अपनी पहचान और अपने रुतबे के साथ जी पाए। और जो लोग हैं जिन्हें अंकिता अपनी कैन आई टेक अ मिनट। हाँ जी काशब, आप वर्चुअल शोज कर रहे हैं, ये हरप्रीत सर कह रहे हैं। जी जी, क्या है कि ये बताना चाह रहे थे, सॉरी हाँ जी सर, हम लोग हिंदू मुसलमान सिख ईसाई पंडित जितने भी हैं, हम आर्टिस्ट का कोई मजहब नहीं होता। आर्टिस्ट सबसे पहले आर्टिस्ट नहीं दुनिया पहले इंसान। सर ऑनलाइन प्रोग्राम हम लोग करते हैं, शो कर रहे हैं, लेकिन जो है वो कमी से कर रहे हैं क्योंकि सब जो है बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है, जब शादियां ही तक बंद पड़ी है। तो हाँ साहब, क्या होता है कि मैं जैसे भी आपको कह रहा था कि कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जो हमें मालूम नहीं पड़ता कि वो कब खुलते हैं। सही बात, क्या बात। तो मैं आपसे ये चीज इसलिए पूछ रहा हूँ कि मैं कुछ ऐसी संस्थानों से जुड़ा हुआ हूँ जहाँ पे मतलब एक तो मैं आप ही की इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ, आप तो काफी सीनियर लोग हैं, हमें इंडस्ट्री में आए बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए, कुछ 14-15 साल ही हुए हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें जो हमारे इर्द गिर्द होती हैं उसमें एक ये आपका एंटरटेनमेंट सेक्शन जो है ये एक बहुत बड़ी चीज है, और कुछ एक प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं। तो अगर आप लोग कभी आपको लगे कि कुछ वॉलंटरली आप मतलब हमारे लिए कुछ 15 मिनट 20 मिनट आधे घंटे का एक शो कर सकते हैं तो वो जरूर से मैं आप लोगों से संपर्क में आऊंगा बहुत जल्दी,
क्योंकि आने वाले अभी 2 महीने तक मुझे लगता नहीं है कि हमारी इंडस्ट्री जो है वो वापस ओपन होने की उसमें है, तो हो सकता है कि इस तरीके से कुछ करके और कुछ एक नए रास्ते खुले, कुछ जो लोग आपको आज तक नहीं सुन पाए अगर वो आपको सुन पाए और आगे कभी उनको ऐसा लगे कि उनके परिवार में, उनके व्यापार में या उनके सर्कल में कभी उनको इस तरीके का कोई कार्यक्रम चाहिए तो वो डेफिनेटली आपसे अप्रोच कर सकते हैं। तो कोशिश करेंगे कि कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जाए जहां आपको हम फुर्सत से सुने, क्योंकि ये 2-5 मिनट की सुनने वाली चीज नहीं है आपकी, क्या जो बात है, क्या बात है? वो 2-5 मिनट की सुनने वाली एकदम सही बोला है सर आपने, ये इसके लिए, हाँ इसके लिए एक अच्छा समय चाहिए। हरप्रीत सर एंड विरांश, आई रिक्वेस्ट हम, मैं खाली इस शो को रैप अप कर देती हूँ एंड हमारी म्यूचुअल डिस्कशंस हम उसके बाद कंटिन्यूएशन पे रखेंगे क्योंकि शो का टाइमिंग हम ऑलरेडी बहुत पीछे ऑफिशियल नोट हैं। आप ऑफिशियल नोट पे खत्म कर दीजिए, ऑफिशियल नोट पे मैं एक बार रैप अप कर देती हूँ, देन वी कैन रियली टेक दिस ऑफ बिकॉज़ सत्यजीत सर गॉट आस्क मी अंकिता जस्ट डू इट नाउ। सो मुझे मुझे 10 सेकंड दे दे, सिर्फ 10 सेकंड, ये जरूरी है, ऑफ कर रहा है, 1 मिनट लाइट बंद कर रहा है वो। उचियां लंबियां लाल खजूरा यार ओ पत्रु जणा दे सावे और यार फरीद उते की बसवा जिथे यार नजर ना आवे। क्या बात, क्या बात, अरे वाह सर। तो नाउ ऑफिशियली आई एम डूइंग द राउंड अप टुडे फॉर दिस शो, माइंड बॉडी एंड सोल। अगर हम इन 3 किरदारों की बात करते हैं हमारे शरीर में या हमारे आत्मिक रूप पे या हमारे मानसिक तौर पे, हम 3-dimensional वर्ल्ड में हैं, तो इट इज कोइंसिडेंस प्योरली कि आज मेरे साथ में तीनों ऐसे ही लोग बैठे हैं जो माइंड बॉडी एंड सोल पे काम कर रहे हैं। समवेयर विरांश इज वर्किंग ऑन माइंड, हरप्रीत सर इज वर्किंग ऑन द बॉडी एंड निजाम सर इज वर्किंग ऑन द सोल। निजाम सर आत्मिक रूप से आपका जो कवाल है, जो आपकी आवाज है, वहां तक वो तृप्ति देती है। हरप्रीत सर जिस लेवल ऑफ बॉडी, फिजिकल स्टेट ऑफ माइंड या फिजिकल स्टेट ऑफ द बॉडी, आप जिस एक्टिवनेस से उस पे काम कर रहे हैं, इवेंट्स को एक नई दुनिया और एक नया प्लेटफॉर्म मिलने वाला है। सेम मेंटल लेवल पे हमारी इंडस्ट्री कहीं ना कहीं जो पीछे थी, उस चीज को अपग्रेड करने के लिए विरांश का जो इनपुट है, जो इंक्लिनेशन है, अ यंग टैलेंट इज कमिंग टू गिव द परफेक्ट डिमेंशन टू आर इंडस्ट्री, ये अपने आप में काबिले तारीफ है। आज का हमारा ये टॉक शो सिटी लाइफ डायलॉग्स हैड बीन इनक्रेडिबली अमेजिंग, क्योंकि हमारे पास डायलॉग भी था और म्यूजिक भी जो डायलॉग्स को एक नई परिभाषा देता है। तो यहीं पे ही हम इस नोट पे इसको समाप्ति की ओर ले जाते हैं। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू यहाँ पे आने के लिए, ये अपना वक्त देने के लिए और हमें और ज्यादा मोटिवेट करने के लिए आगे बढ़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। दिस इज अंकिता सोमानी जैन साइनिंग ऑफ फॉर डे। थैंक यू, थैंक यू अंकिता। सो वी हैव रैप्ड अप। Live, a platform to sharing your thoughts.